लेटेस्ट अनबॉक्सिंग एवं रिव्यूज के लिए जुड़े हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल बटन को दबाना। हेलो फ्रेंड, मैं शुभम राज और आप देखें टेक्निकल स्टार। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एडोबी इफेक्ट खोलेंगे और न्यू कंपोजिशन क्रिएट करेंगे। तो जैसे ही आप न्यू कंपोजिशन क्रिएट कीजिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू कंपोजिशन क्रिएट हो गया है। आपको यहाँ पे एक वीडियो ला के डालनी है। मैंने ये वीडियो शूट की थी और आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट में ला के इसे छोड़ दीजिए। तो आप देख सकते हैं आपकी वीडियो यहाँ पे आ चुकी है। अब आपको करना क्या है, इस वीडियो को ड्रैग करके यहाँ नीचे लाना है और इसकी डायमेंशन को एडजस्ट करना है कुछ इस तरह। उसके बाद आप इसे स्क्रॉल करके बड़ा कर सकते हैं। अब आपको जो अगली चीज़ करनी है वो आपको वीडियो कहाँ से कहाँ तक रखनी है उसे आपको ट्रिम करनी है। मैंने ये जो वीडियो ली है अब मैं यहाँ पे इसे ट्रिम कर लेता हूँ। किसी मुझे कहाँ से कहाँ तक रखनी है थोड़ा सा राइट। आप वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं यहाँ से। मैं अपने वीडियो को ट्रिम कर लेता हूँ एक फ्रेम पीछे, इधर से भी कुछ ट्रिम कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ट्रिम क्रॉप टू वर्क एरिया। तो आप देख सकते हैं मेरी वीडियो, ये मैंने इसे ट्रिम करके रखा हुआ। अब आपको जो अगली चीज़ करनी है इसके लेयर्स को काटने हैं। सिंपल है दोस्तों, आप जहाँ पे स्टेबल आके खड़े हो गए हैं उसे अलग लेयर में रखना है और आप जिस जहाँ से आप चल रहे हैं, आपका जो मूविंग है, अगर आप मूव कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, तो उस जगह आपको सिंपली आपको वहाँ उस लेयर को अलग लेयर पे रखना है, उस पूरे जगह को एक अलग लेयर में। देख सकते हैं मैं यहाँ पे मूव करना चालू कर रहा हूँ। तो अब जो मैं मूव करूँगा इससे मैं इसके लेयर को चेंज करूँगा। सिंपली आपको एडिट पर जाना है और स्प्लिट लेयर में जाना है। तो आप देख सकते हैं मैं इसके लेयर को चेंज कर दिया। इसी तरह हम सारे जितने भी मेरी फ्रेम है सबको फ्रेम में यही करूँगा। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे चल रहा हूँ तो जो चलता हुआ है ये एक लेयर में रहना चाहिए। तो सावधानी से आप जो अपनी वीडियो बनाइएगा उसमें कुछ ऐसा ही कीजिएगा, जो आप चल रहा है जो पोर्शन आपका, आप जिस लेयर जिस पोर्शन में चल रहे हैं, मान लीजिए कुछ टाइम इंटरवल में आप चल रहे हैं, तो उसको आपको एक अलग लेयर में रखनी है और आप जहाँ पे खड़े हैं उसे एक अलग लेयर में रखनी है। तो उसी तरह आप इसे स्प्लिट लेयर करके इसके लेयर्स को तोड़ सकते हैं। ऐसे ही करके मैं सभी को तोड़ूंगा। इसे भी तोड़ लें। सेम करना है, एडिट पे आपको जाना होगा और एडिट में जाके आपको स्प्लिट लेयर करना है। एडिट पे जाएं, एक फ्रेम और आगे, एडिट पे जाएं और यहाँ पे स्प्लिट लेयर। फिर से मैं कहना चाहूँगा, ध्यान रखें जो जिस पोजीशन जिस टाइम इंटरवल में आप चल रहे हैं आपको उसे एक अलग लेयर में रखनी है और आप जहाँ पे खड़े हैं उसे आप अलग लेयर में आपको रखनी है। देख सकते हैं मैं यहाँ पे आके रुक गया तो इसे मैं अलग लेयर में रख दूँगा। सेम चीज़ करना है, एडिट पे जाना है और स्प्लिट लेयर। इसे करके आप सभी को सारी टाइम इंटरवल को एक लेयर में, अलग अलग लेयर में इसे कन्वर्ट कर लें, तोड़ लें। तो इसे भी हम इसकी लेयर को चेंज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने ये कंप्लीट कर लिया। अब आपको सिंपली इसे और थोड़ा इधर लाके इसे ट्रिम कर लेना है, इस पोजीशन तक इसे ट्रिम कर लेते हैं।
अब आपको जो अगली चीज़ करनी है, ध्यान से देखिएगा, आप फर्स्ट पोजीशन पे हैं और आपको जो है एक नीचे से एक वीडियो को छोड़ के एक वीडियो को उसके नेम को चेंज कर दें। जैसे कि ये जो आपकी सेकेंड वीडियो है, नीचे से सेकेंड, उसकी नेम चेंज करके, क्योंकि सेकेंड जो वीडियो नीचे से है वो उसमें आप चल रहे हैं, आपकी मूविंग है और ऑब्जेक्ट है, तो आप उसमें स्पीड मोशन वन या स्पीड M1 लिख दें, या फिर आप अपने नाम से उसे दे दें जब पहचान पाए वो कौन सी है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे रैंडमली छोड़ना है, एक अगर लिया तो दूसरे को छोड़ के दूसरे, मतलब आप इसे अल्टरनेटली एक वीडियो को छोड़ के दूसरे वीडियो को नाम को चेंज कर दें। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ नीचे एक वीडियो को रहने दिया, उसके बाद एक वीडियो को स्पीड 1, फिर एक वीडियो है, फिर स्पीड 2 और स्पीड 3 करके मैंने यहाँ पे 3 वीडियोस चेंज किए हैं। अब आपको अगली चीज़ जो करनी है वो वीडियो 1 पे आप स्पीड M1 देख सकते हैं यहाँ पे, इसकी टाइम में इसके ऊपर राइट क्लिक करें और टाइम में जाएँ, आप यहाँ पर टाइम देख सकते हैं। टाइम में जाने के बाद आप टाइम स्ट्रेच कर सकते हैं, यहाँ से आपको टाइम स्ट्रेच पे क्लिक करना है। जैसे आप टाइम स्टेज पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे 100% देख सकते हैं, आपको इसे कम कर देना, मैं इसे 25% कर देता हूँ। उसी तरह स्पीड M2 को भी सेम वैसा ही करें, 25%। उसी तरह वीडियो 3 को भी आप टाइम में जाके, टाइम स्टेज में जाके से 25% कर दें। अब आपको अगली चीज़ करनी है क्या, इसकी फ्रेम को लाइन बाय लाइन यहाँ पे एडजस्ट करना है। आप देख सकते हैं जहाँ से वो ख़त्म हुई है वहाँ पे लाके दूसरे को स्टार्ट करना है, कुछ इस तरह से आप सबकी फ्रेम को मिला दें। इसे ध्यान रहे आपको इसमें स्पेस नहीं रहना चाहिए, अगर आप बीच इन दोनों के बीच में अगर स्पेस रह गया तो उस जगह आपकी जो वीडियो है वहाँ पे ब्लैक ब्लैंक आ जाएगी, इसीलिए दोनों के बीच में स्पेस नहीं, सभी वीडियोस के बीच में स्पेस नहीं रहनी चाहिए। आप इसे थोड़ी सावधानी से इसे स्टेबल करें और एक दूसरे के एकदम अगर ये ख़त्म हुई तो उसे स्टार्ट हो जाना चाहिए, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब इसको प्रीव्यू पे देख सकते हैं इसे चला के, अब आपको करना क्या है अगली चीज, अब एक बार फिर से इसे चला के देखें, यहाँ पे आपकी इफेक्ट यहाँ पे चेंज हो चुकी होगी, वीडियो में जो आपकी मोशन है वो चेंज हो चुकी होगी। आप देख सकते हैं जो आपकी जहाँ पे आप चल रहे थे तो वो आपको स्पीड हो चुकी है। अब आपको यहाँ से जहाँ तक कि ये वीडियो है इन तक वहाँ पे जाके से ट्रिम कर लें, तो आप देख सकते हैं ये ट्रिम हो चुका है। अब आपको जो अगली चीज़ करनी है वो ध्यान रहे, अब जो वीडियो है, अब जो वीडियोस जो स्पीड वीडियोस हैं उसमें आपको इफेक्ट्स डालने हैं, तो आप यहाँ पे सिंपली सर्च कीजिए CCF, CC स्पेस F। तो जैसे ही आप यहाँ पे CC स्पेस F कीजिएगा तो यहाँ पर आपको CC फोर्स मोशन ब्लर ऑप्शन मिलेगा, आप इसे सिंपली यहाँ से उठाकर उस पर लेफ्ट क्लिक करके दबाए रखें, होल्ड करके रखें और वीडियो M1 में ला के छोड़ दें। तो जैसे ही आप वीडियो M1 में छोड़िएगा तो आ जाते हैं यहाँ पे। अब आपको इसमें कुछ चेंजेस करनी है, इन इफेक्ट्स में कुछ चेंजेस करनी है। तो सिंपली आप यहाँ पे एरो बटन को दबाएं, आप इसे थोड़ा ऊपर कर लें ताकि काम करने में आसानी हो। सिंपली यहाँ पे एरो बटन स्पीड 1 में आप देख सकते हैं इफेक्ट्स देख सकते हैं, इफेक्ट्स में आप CC फोर्स मोशन ब्लर देख सकते हैं। आपको यहाँ पे जो मोशन सैंपल्स है इसे बढ़ा के इसे मैक्सिमम पे ले जाना है, इसमें मैक्सिमम 255 रहता है तो आपको 255 पे ले जानी है।
और सटर एंगल्स को भी चेंज करना है। आप सटर एंगल को कितनी भी रख सकते हैं, लेकिन आप इसे चेंज कर लें सटर एंगल को। और मोशन सैंपल्स और सटर एंगल, आपको ये दोनों बात ध्यान में रखनी होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी वीडियो जो थोड़ी है ब्लरिंग इफेक्ट उसमें आ चुका है, जैसे वो जब चल रही है तो उसमें ब्लरिंग इफेक्ट आ चुकी है। आप इसे और बढ़ा लें मोशन सैंपल को। टू फिफ्टी फाइव आपकी हाईएस्ट है, इससे आगे ही नहीं जाएगी। ये इससे आगे नहीं जाएगी। टाइप करके भी देख सकते हैं, मैं यहाँ 400 डाल के देखता हूँ, लेकिन आपको ये 255 तक ही जाएगी। तो ये 255 तक ही जाएगी, आपको 255 तक ही करना है। और आप सटर एंगल्स को बड़े ही बढ़ा सकते हैं यहाँ से। तो आपकी ये जो वीडियो वन में है, मतलब स्पीड M1 में है, आप देख सकते हैं आ चुकी है। अब आपको इसमें जो इसकी सटर एंगल को, इसे आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर सटर एंगल को आप बढ़ाएगा तो ये इफेक्ट आपको अपने आप नज़र आने लगेगी। मतलब यहाँ पे आप जो वीडियो है स्पीड M1 में, आप देख सकते हैं एंगल यहाँ पे नज़र आ रही है आपको। कुछ उसी तरह आपको सभी वीडियोस में करनी है, सेम चीज़ आप करें, सेम इफेक्ट का वहाँ पे सर्च करें CCF, तो यहाँ पे CC फोर्स मोशन ब्लर आपका आएगा। उसे सभी मूविंग वीडियोस, जो जो वीडियोस में आप चल रहे हैं उस वीडियो में आपको उसे लाके रख देना है। वीडियो यहाँ पे स्पीड M2 और स्पीड M3 में भी इसे लाके रिस्पेक्टिवली यहाँ पे रख सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने वहाँ पे इसे लाके यहाँ पे रख दिया। अब सेम आपको करना है स्पीड M2 में भी, इफेक्ट्स में आपको फोर्स मोशन ब्लर में जाके इसकी जो मोशन सैंपल्स है उसे हाईएस्ट 255 पे करनी है। और सटर एंगल को आप 1000 के पार भी ले जा सकते हैं। तो मैं यहाँ 1000:211 पे रखा हूँ। सेम चीज़ आप वहाँ पे भी करें विद आपकी जो स्पीड M3 है उसमें भी आप सेम यही करें। इफेक्ट्स में जाएं और इफेक्ट्स में जाने के बाद सॉरी CC फोर्स ब्लर मोशन ब्लर में जाएं और इसकी जो मोशन सैंपल्स है उसको हाईएस्ट पे रख दें। और 1267 या कुछ भी आप अपने हिसाब से 1000 से ऊपर आप यहाँ पे इसकी जो एंगल है सटर एंगल उसे चेंज कर दें। सेम आपको स्पीड M1, M2 और M3 में आपको सेम यही करना है। उसके बाद आप इसे चला के देख सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। मैं चाहता था इस वीडियो को थोड़ा फास्ट में करके आपको सब सब बता देता, लेकिन उससे होती है क्या कि आप समझ नहीं पाते हैं सारी स्टेप्स को और भूल जाते हैं कहाँ पे क्या करना है। और कभी कभी आपको समझ में नहीं आएगा आपको कब कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करना है, कैसे करना है, इसलिए मैं वीडियो को टोटली बनाया। अब आपको लास्ट में करना क्या है कि कंपोजिशन में जाएं और उसे ऐड टू रेंडर स्क्रीन में कर दें। आप जैसे ऐड टू रेंडर स्क्रीन में कीजिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा आउटपुट मॉड्यूल, उसको चेंज करके आप H.624264 में चेंज कर दें। उसके बाद इसे रेंडर कर दें। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी रेंडरिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं जो मेरी वीडियो रेंडर हो चुकी है, मेरी वीडियो सेव हो चुकी है। देख सकते हैं यहाँ पे डन स्टेटस दिया जा रहा है। आप इसे सिंपली मिनिमाइज़ करें और जिस फोल्डर में आपकी ये वीडियोस जाती हैं उस फोल्डर को खोलें और वहाँ पे आप अपने वीडियोस को देख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे मेरी वीडियो कंपोजिशन 1 नाम से आई है। तो आप देख सकते हैं मेरी वीडियो यहाँ पे आ चुकी है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये सारी जानकारी हो और वो भी ऐसा इफेक्ट बना सकें। और मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाता ही रहता हूँ, तो प्लीज़ हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को दबाना ना भूलें।